सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजियोलॉजी और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ये डायग्राम बना के आपको दिखाया था। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखेंगे हमारा, तो आपको कंप्लीट इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक्चुअल में वो हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे शरीर में कैसे होता है। देखिए, डाइजेशन का मतलब सीधे सीधे होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। तो कैसे हम उसको छोटे से छोटे ऐसे रूप में बदल दें ताकि शरीर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो पाए, और वो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो पाए जिसको कि हमारे शरीर की कोशिकाओं या सेल्स को आवश्यकता है, राइट? तो ये जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हमारा है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें टीथ के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, कुतरा जाता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल बदलते हैं, और दूसरा जो होता है एंजाइमेटिक प्रोसेस से उसको डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर में, राइट? तो फिजियोलॉजी डाइजेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन बक्कल कैविटी, राइट? इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी देखिए कौन सा पोर्शन है, जो माउथ है वो कहाँ ओपन हो रहा है, इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में होता है हैविंग दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती हैं, हैविंग टीथ और टंग। क्या होता है? हैविंग टीथ एंड टंग। जो टीथ है उसका काम होता है भोजन को कुतरना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। आइए हम देखते हैं टूथ का स्ट्रक्चर। आपके सामने जो ये है आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ टूथ, राइट? अब इस टूथ में आप देख सकते हैं कि ये एक पोर्शन है रूट। इसी रूट के माध्यम से दांत के अंदर ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है। जो रेड कलर वाला आप देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन है। ये जिस कैविटी को अंदर ये बना रहे हैं आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। और ये पल्प कैविटी लिविंग होता है, लिविंग होने की वजह से वो लगातार टूथ के मटेरियल्स को चारों तरफ क्या करता है, सिंथेसिस करके भेजता रहता है। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पल्प कैविटी है इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक खास तरह के ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और यही ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या बनाते हैं? टूथ के मटेरियल्स को बनाते हैं या दांत के मटेरियल को बनाते हैं। तो लगातार इनकी मटेरियल के सिक्रीट होने की वजह से दांत का आकार क्या होता है, बढ़ता रहता है। जो सबसे मेजर पोर्शन होता है, जो सबसे ज्यादा पार्ट पाया जाता है, आप देख रहे हैं पल्प कैविटी के दोनों तरफ जो पाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेंटाइन। आप इस पे ध्यान देंगे, दिस इज कॉल्ड द डेंटाइन, राइट? तो डेंटाइन को कहते हैं बल्क ऑफ द टूथ, यानी टूथ का जो सबसे बड़ा पोर्शन आप देख रहे हैं, ब्लैक्स जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड द डेंटाइन। तो सबसे बड़ा पोर्शन डेंटाइन होता है। जो दांत होता है वो गम्स यानी कि मसूड़ों में होता है। आप देख पा रहे हैं, दिस इज द गम या मसूड़े, ये गम्स हैं या मसूड़े, उसी में दांत हमारा क्या होता है, धंसा होता है, राइट? सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो काफी चमकीला होता है, ब्राइट होता है, और उसको कहते हैं इनेमल। इनेमल कहा जाता है कि हमारे शरीर का क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, राइट? अब हम लोग को जब टीथ को, ह्यूमन के टीथ के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन टीथ को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप यहां ध्यान देंगे तो ह्यूमन टीथ आर हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट का मतलब हुआ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे अगर मनुष्य के दांत को अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग दो हाफ सेट में बांट सकते हैं। जो हाफ सेट है उसमें आप देखेंगे ये जो दो दांत आपको यहां से दिख रहा है हाफ सेट में, इसको हम लोग कहते हैं इंसीजर, राइट? इंसीजर का मतलब काम होता है कटिंग करना, ठीक है? इसके बाद जो एक दांत होता है जो बिल्कुल नुकीला होता है, इसको कहते हैं हम लोग कैनाइन। कैनाइन जो होता है इसका काम होता है टियरिंग द फ्लैश। जो लोग मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो इसी की मदद से मांस को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है? इसके बाद का जो दांत होता है वो दो चपटे दांत होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग प्री मोलर। क्या कहते हैं? प्री मोलर।
और इसके बाद तीन दांत होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग मोलर, दिस इज कॉल्ड द मोलर, राइट। तो इंसीजर दो, कैनाइन एक, प्री मोलर दो और मोलर तीन। इसमें से जो थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर, राइट, दिस इज द थर्ड मोलर कॉल्ड, इसको कहते हैं विजडम टीथ, क्योंकि ये जल्दी 20-21 साल उम्र के बाद ये उगता है, तो इसको कहते हैं हम लोग विजडम टीथ। यानी माना जाता है कि तब तक हम लोग के अंदर बुद्धि आ चुकी रहती है, इसलिए कई बार अकल वाली दांत भी लोग कहते हैं या विजडम टीथ। तो अगर आप ध्यान देंगे, दो एक तीन, दो पांच और तीन आठ, तो इधर आठ और इधर आठ, कितने हो गए 16, और टोटल इसका डबल, क्योंकि ये ऊपरी जबड़े का है, ऊपर वाले जॉ का है, तो 16 और नीचे 16, दोनों मिला कितने हुए 32 दांत। तो 32 दांत में इसके हाफ सेट हैं, इसलिए हम लोग एक डेंटल फार्मूला बनाते हैं, डेंटल फार्मूला, और ये आपसे पूछा जा सकता है। ये होता है इंसीजर अपॉन इंसीजर, कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्री मोलर अपॉन प्री मोलर और मोलर अपॉन मोलर, ठीक है, इंटू टू कर देते हैं, ठीक है, इंटू टू कर देते हैं। तो देखिए 2 by 2, 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3, ये टोटल हो जाएगा 8 by 8 into 2, ये हो जाएगा 16 ऊपर 16 नीचे, और यहाँ से मिला के ये हो जाएगा टोटल 32 टीथ, राइट। इस तरह से 32 दांत हमारे पास होते हैं, क्लियर है। दूसरा, हेट्रोडॉन के साथ साथ जो हमारा दांत होता है, इसको एक और नाम देते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं डाइफियोडॉन। क्या कहेंगे इसको? डाइफियोडॉन। आइए देखते हैं डाइफियोडॉन क्या है। डाइफियोडॉन, तो बच्चों डाइफियोडॉन का मतलब ये होता है हैविंग टू सेट्स ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम, और ये टू सेट्स कौन है, एक है मिल्क टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। एक है मिल्क टीथ और दूसरा क्या है, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो होता है जो शुरुआती समय में बच्चों में बनता है, और परमानेंट टीथ वो होता है जो 12 साल की एज के बाद क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, राइट। तो जीवन में दो बार दांत उगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइफियोडॉन, राइट, डाइफियोडॉन, ठीक है। इसमें से जो आप देखते हैं प्री मोलर है, प्री मोलर जो होते हैं वो जीवन में एक ही बार आते हैं, तो प्री मोलर्स, प्री मोलर्स यानी 2 into 2, ठीक है, दो ऊपर दो नीचे, इंटू टू अगर करेंगे, ये मैथमेटिक्स नहीं है, 4 × 2 ये टोटल 8 टी। और थर्ड मोलर, थर्ड मोलर यानी कि ये हो जाएगा 1 और 1, एक ऊपर एक नीचे, 2 और 2, टोटल कितने हो जाएंगे 4, ये टोटल मिला के 12। 12 दांत वो होते हैं जो erupt only once in life, क्योंकि ये जो दोनों है प्री मोलर और तीसरा मोलर, ये कभी भी मिल्क टीथ के रूप में नहीं आते हैं, ये हमेशा जब भी आएंगे ये परमानेंट आएंगे, यानी जीवन में एक ही बार। बाकी जो दांत होंगे इनके अलावा वो सारे, यानी कि दोनों इंसीजर कैनाइन और तीसरा जो बाकी जो दो मोलर हैं, वो एक बार मिल्क टीथ के रूप में आते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, उसके बाद फिर परमानेंट के रूप में आते हैं। तो केवल 12 वो हैं जो कि केवल एक बार आते हैं, और 20 दांत ऐसे हैं जो कि जीवन में हमारे पास दो बार आते हैं, राइट। तो डाइफियोडॉन, एक और शब्द होता है जिसे कहते हैं थीकोडॉन, हमारा दांत थीकोडॉन है। थीकोडॉन कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो जबड़े के अंदर ऐसे बोन के अंदर धंसे होते हैं, राइट, ये हमारा बोन होता है, इसी के अंदर क्या होते हैं, धसे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थीकोडॉन। तो दांत का काम आप जानते हैं, इसका काम क्या, दांत का काम जो होता है वो भोजन को कुतर के छोटे छोटे पार्टिकल में बांटना होता है। आप यहाँ के डायग्राम समझ सकते हैं कि इंसीजर का क्या काम है, कैनाइन का क्या काम है, प्री मोलर का काम क्या है और मोलर का काम क्या है, राइट। तो हमारे जो दांत होते हैं वो जीवन भर नहीं बढ़ते, एक समय के बाद जो रूट कैनाल जो होता है वो बंद हो जाता है, और ब्लड वेसल सप्लाई जब बंद हो जाती है, तो फिर दांतों का बढ़ना जो है वो
रुक जाता है। लेकिन चूहों में और हाथियों में देखा गया है कि जो इंसीजर है, जो आगे के दांत हैं, उनका रूट हमेशा ओपन होने की वजह से जीवन भर बढ़ता रहता है। और शायद इसी वजह से जो चूहे हैं हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनका दांत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उन्हीं के लिए क्या हो जाए, मुसीबत हो जाए, राइट। अब टीथ के बाद हम दूसरी चीज़ की तरफ चलते बेटा, और उसको हम लोग कहते हैं टन, राइट। टीथ के बाद जो दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे वो है टन। टन यानी कि हमारी जीभ, ठीक है। अगर टंग का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, टंग, तो टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो भोजन का मूवमेंट कराता है, ताकि जो भोजन के पार्टिकल वो चारों तरफ मूव करते रहे और उसमें सलाइवा मिक्स होता रहे, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से दो तीन इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जो टेस्ट के लिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये और ये जो आगे वाला है ये स्वीट के लिए है, किनारे वाले जो नजदीक के होते हैं वो सॉल्ट यानी नमकीन चीज को पहचानते हैं, ये खट्टा यानी कि सोर के लिए होता है, और जो पीछे की तरफ होता है फॉर द बिटर, बिटर मतलब कड़वा लगना। तो जो हमारे जीभ हैं उनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और इन्हीं टेस्ट बर्ड के द्वारा वो स्वीट, सॉल्ट, सोर और फिर बिटर को क्या करते हैं, पहचानते हैं, राइट। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि वो कौन से डाइजेशन की प्रक्रियाएं हैं जो कि हमारे बक्कल कैविटी में चलती हैं। तो देखते हैं कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, देखिए जो मेन चीज है बक्कल कैविटी में वो है कि सलाइवा, ठीक है, सलाइवा सिक्रीटेड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उससे सलाइवा सिक्रीट होता है। जो हमारा सलाइवा होता है ये एसिडिक होता है, एसिडिक विथ पीएच लगभग 6.7, ठीक है ना, एसिडिक विथ पीएच लगभग 6.7 इस पीएच पे काम करता है। सलाइवा जो है वो कंटेन करता है, कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, या इसी का नाम टाइलिन भी है, क्या है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन है उसका काम क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग रोटी या चावल खाते हैं पका हुआ, तो पका हुआ रोटी चावल इसको हम लोग बॉयल्ड स्टार्च मान लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, बॉयल्ड स्टार्च, क्योंकि रोटी चावल में स्टार्च होता है, स्टार्च हम जब पकाते हैं तो बॉयल्ड हो जाता है। तो जो बॉयल्ड स्टार्च है वो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन की मदद से माल्टोज में बदल जाता है, किस में बदलता है, माल्टोज जो एक प्रकार का क्या है, शुगर है, और एक प्रकार का शुगर है इसलिए क्या लगता है, मीठा। तो जब भी आप रोटी खाते हैं तो क्या होता है, शुरू में वो मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा देर चबाने लगते हैं तब धीरे धीरे रोटी क्या होता है, मीठा लगने लगता है, राइट। तो उसका कारण क्या होता है, जब आप चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, और जब सलाइवा मिक्स होता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो बॉयल्ड स्टार्च है जिसका कि कोई स्वाद नहीं होता है, वो धीरे धीरे माल्टोज में बदल जाता है, जो कि एक शुगर है, और शुगर होने के वजह से जो इसका टेस्ट होता है वो काफ़ी मीठा होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो बॉयल्ड स्टार्च है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल शुगर माल्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब सलाइवा के मिक्स करने से जो भोजन हमारा होता है वो छोटे छोटे गोले में बदल जाता है, और जब ये छोटे छोटे गोले में बदल जाता है तब इसको कहते हैं क्या, बोलस, राइट, दिस इज कॉल्ड अ बोलस। तो बोलस, बोनस नहीं, दिस इज बोलस, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है, टर्म इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैविंग फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, राइट। टर्म इज यूज फॉर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैविंग फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, बोलस, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर बोलस बन गया, ठीक है, जब बोलस बन गया तो उसके बाद ये खाना जो है कहाँ पहुंचेगा, फेरिंग्स,
फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है जिससे किसके लिए, यहाँ से फूड जाएगा और यहाँ से एयर जाएगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि बोलना नहीं चाहिए। बोलने से क्या होता है, आप देख रहे हैं जो विंड पाइप है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ढक्कन, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये खुल जाता है और भोजन के इसके अंदर जाने की संभावना होती है। इसलिए कई बार क्या होता है, जब आप बोलते हुए खाना खाते हैं तो खाना आपको खांसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सांस छोड़ेंगे तो ये जो ऊपर एपिग्लॉटिस है, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो एपिग्लॉटिस है ये ढक्कन खुल जाता है, भोजन के पार्ट में हमारे लंग्स की तरफ चले जाते हैं जहाँ से उसको तेजी से एक्सपेल किया जाता है और वहीं से हमको क्या होता है, खांसी आता है, जिसको कहते हैं ना भोजन कार्य सरक गया। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, उससे ढक्कन बंद रहता है और जो भोजन में सीधे कहाँ पहुँचता है, इन द ईसोफेगस। जब ईसोफेगस के अंदर ये बोलस जाता है तो क्या होता है कि ईसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम तो सीक्रेट नहीं होता है किसी भी प्रकार का, लेकिन चूंकि इसके अंदर सलाइवा मिक्स है तो जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कंटिन्यू रहता है। तो जैसे ये भोजन पहुंचता है ईसोफेगस के पास, वैसे इसमें एक ऐसे वेब की तरह मूवमेंट होने लगता है और जिसके वजह से ये जो हमारा बोलस है, दिस इज बोलस, वो नीचे की तरफ सरकने लगता है ना। ये जो तरंग की तरह से या वेब की तरह से जो मोशन इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ईसोफेगस के अंदर, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या है? वेब लाइक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे तेज ये ईसोफेगस में होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसीड करके वो अंत तक बढ़ता जाए। इसी वजह से जो फूड है डाइजेस्ट होकर धीरे धीरे करता हुआ क्या करता है, ये यहाँ से रेक्टम तक पहुंच जाता है। समझ में आया? तो ये जो तरंग की गति से ऐसे करते हुए जो पूरा हमारे यहाँ से शुरू होकर फैरिंग से शुरू होकर ईसोफेगस से धीरे धीरे जो पूरा ये फूड का मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को फर्दर आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है, पहुंचाता जाता है। अब देखिए जो बोलस है वो यहाँ से पहुंचा कहाँ पर, स्टमक में। किसके द्वारा? ये कार्डियक वॉल्व के द्वारा। जैसे ही बोलस यहाँ पहुंचता है वैसे ही जो कार्डियक वॉल्व है क्या हो जाता है, ऐसे से बंद हो जाता है, और जब ये बंद हो जाता है तो भोजन को ऊपर जाने से रोक देता है। हालांकि कई बार क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो जाते हैं तबियत खराब होने पर, उससे ये कार्डियक वॉल्व खुल जाता है और जो कंटेंट है बाहर आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द वोमिटिंग। तो वोमिटिंग इज रिजल्टेड बाई रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी पेरिस्टाल्टिक का उल्टा, राइट। खैर ये तो बस गड़बड़ी होती है तब होता है। अब मान लीजिए जो हमारा बोलस था वो कहाँ पहुंच गया, इन द स्टमक। अब हम देखते हैं कि स्टमक में जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, राइट। तो बच्चों देखो, इन स्टमक अगर हम लोग देखें, हम यहां देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है कि स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होते हैं उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड कोई एक सेल या सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिससे कुछ चीजें क्या होती है, बाहर की तरफ सिक्रीट होती हैं। तो ऐसा सेल्स या सेल्स का ग्रुप जो कि कुछ चीजों को सिक्रीट करता है, बाहर की तरफ निकालता है, सिक्रीट करता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्लैंड्स, राइट। तो स्टमक कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से दैट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, राइट, इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। तो गैस्ट्रिक जूस में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा जो होता है वो होता है रेनिन, राइट। क्या होता है? HCl, पेप्सिन और रेनिन। अब तीनों को काम क्या समझिए, HCl का काम दो होता है, एक मेक मीडियम एसिडिक, ठीक है, जिससे इसका पीएच जो है 3-4 के आसपास बना देता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा काम होता है किल्स द
किल्स द माइक्रोब्स। अब भोजन में जो खराब पार्टिकल आ गए या माइक्रोब्स आ गए उनको भी क्या करता है, HCl मार देता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, कई बार ये भी बताया जाता है इसका काम ये होता है कि ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। ठीक है, इसके बारे में खैर आप लोगों को डिटेल में अगले हायर क्लास में मिलेगा। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब दो एंजाइम्स मुख्य रूप से सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द गैस्ट्रिक जूस। इनका काम क्या है, जो ये पेप्सिन है उसका काम पहले देखते हैं। पेप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन है भोजन के अंदर, राइट, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है दो चीज़ों में, पेप्टोन्स, ये और सिंपल प्रोटीन फॉर्म है, प्लस प्रोटीओजेस। किसे बदलता है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस। और जो रेनिन होता है उसका काम क्या होता है, जो मिल्क प्रोटीन है, जो हम लोग मिल्क पीते हैं ना, तो मिल्क प्रोटीन कैसीन, इसको क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट करवा देता है इनटू कैल्शियम, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, इसमें कन्वर्ट कर देता है इनटू द कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में कन्वर्ट कर देगा, और मिल्क प्रोटीन कैसीन को रेनिन क्या करता है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट कर देता है। समझदारी बात, तो हमने ही डाइजेशन देख लिया स्टमक में। अब स्टमक में जब डाइजेशन हो जाता है तो कई बार बच्चों का ये सवाल होता है कि सर वहां पर तो HCl भी था, HCl इतना ज्यादा खतरनाक होता है तो फिर ये तो नुकसान पहुंचा देगा ना। बिल्कुल सही, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं इनके पास एक म्यूकस सिक्रिएट करने वाला भी ग्लैंड होता है। वो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि बिल्कुल गोंद की तरह होता है उसको बनाता है। वो सबसे पहले सिक्रीट होकर क्या करता है, इस स्टमक के चारों तरफ ऐसे ही बिल्कुल परत बना लेता है, लाइनिंग, जिससे कि जो HCl है उसका खराब प्रभाव हमारे शरीर के अंदर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से ना पड़े, राइट। तो म्यूकस की बहुत ही पतली परत पहले चढ़ा दिया के तब जाकर डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टमक में तब जो फूड होता है उसको हम लोग कहते हैं काइम, दिस इज कॉल्ड द काइम। तो काइम कहते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट फ्रॉम स्टमक, सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट फ्रॉम स्टमक, दिस इज कॉल्ड द काइम, राइट। अब मान लीजिए ये फूड यहां से या काइम अब यहां से किधर निकला, वो जा रहा किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है वो क्या है, डुओडेनम, राइट, उसके बाद का जेजनम, फिर इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं डुओडेनम, जेजनम और इलियम, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, राइट। तो जैसे ही ये फूड पहुंचता है इन द डुओडेनम, वैसे इसको दो तरह के जूसेस रिसीव होते हैं, एक इस पैंक्रियास से रिसीव होगा पैंक्रियाटिक जूस और दूसरा लीवर से सिक्रीट होगा बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग तेजी से आगे डाइजेशन में बढ़ रहे हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें पहला जो पार्ट है वो होगा इन डुओडेनम। इन डुओडेनम, डुओडेनम में क्या होता है, इट रिसीव्स क्या, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास। ठीक है, जो हमारा ये पैनक्रियाज होगा, देखो जो पैनक्रियाज है आप देख पा रहे हैं, दिस इज पैनक्रियाज, ये एक्चुअल में ये लीफ की तरह से पिंक कलर का ये ऑर्गन है, राइट, दिस इज द पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज में खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाज है या हैज
एसिनर सेल्स, कौन से सेल्स? एसिनर सेल्स सिक्रीट्स एंजाइम्स, सिक्रीट एंजाइम्स दैट वर्क ऑन एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच जो कि लगभग 8 के आसपास होता है। ध्यान रखिए जो डाइजेशन हो रहा था स्टमक में वो एसिडिक पीएच पे हो रहा था 7 से कम वाले पर, और यहां जो डाइजेशन होगा वो किस पे होगा? 8 से ज्यादा पीएच। अब ये 8 से ज्यादा पीएच होगा कैसे? तो आप देख रहे हैं लीवर से एक चीज सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं बाइल, और बाइल स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। ये बाइल क्या करता है? इस पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है? तो लिख सकते हैं बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर, फ्रॉम लीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम, डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बांट देना ताकि फैट का डाइजेशन आगे क्या हो जाए? आसान हो जाए। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल देना ताकि उसका डाइजेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड मेक द मीडियम एल्कलाइन या बेसिक, मेक द मीडियम क्या? एल्कलाइन या बेसिक। जरा हम यहां फोकस करेंगे, बाइल का काम क्या है? बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम, कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, यानी फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट बदल देता है ताकि फैट का डाइजेशन करना आसान हो जाए, एंड मेक द मीडियम क्या? एल्कलाइन। कहां सिक्रीट होता है बाइल? फ्रॉम द लीवर, राइट? तो ये आपको पता चल गया यहां से होता हुआ, यहां मिक्स हो जाएगा। दूसरा जो पैनक्रियाज हमने बात की थी एसिनर सेल, वो सिक्रीट एंजाइम। अब वो कौन से एंजाइम है ये हम लोग देखते हैं। तो रोल ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और वो कितने तरह के एंजाइम होते हैं वो देखते हैं। ये होता है ट्रिप्सिन, दिस इज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को, प्रोटीन्स को ये पेप्टोन्स, प्रोटीओसेस, पॉलीपेप्टाइड्स इसमें कन्वर्ट कर लेता है, राइट? समझ में आ रही बात? अब उसके बाद क्या होता है कि तो ट्रिप्सिन है, इसके अलावा एमाइलेज होगा। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में बदल देगा, राइट? इसी तरह से लाइपेज होगा। लाइपेज क्या करता है? जो फैट है उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो मुख्य रूप से ये तीन एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, राइट? तो ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन का डाइजेशन है, एमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, और फैट का काम जो होता है वो, सॉरी, लाइपेज का काम जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करना है। तो इतनी सारी चीजें कहां डाइजेस्ट हो जाएंगी? इन द ड्यूडेनम पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि जो जेजनम पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वहां से कोई डाइजेस्टिव जूसेस ठीक प्रकार से निकलती नहीं है। लेकिन जो लास्ट लंबा पार्ट है इलियम, हम उसमें देखेंगे कि इलियम में क्या होता है, राइट? तो इलियम सिक्रीट, सिक्रीट सक्कस एंटेरिकस, क्या करता है? सक्कस एंटेरिकस विच हैव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि हम लोग डीएनए आरएनए कहते हैं, शुगर्स एंड प्रोटीन्स टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है?
अमीनो एसिड बन जाएगा। अमीनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन के, ये सब फाइनल प्रोडक्ट है फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये सब फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सिंपल हो जाएंगे एंजाइम्स के प्रभाव में आके, ठीक है। और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बनता है फ्रॉम फैट, राइट। तो इस तरह से फाइनली जब ये डाइजेशन का काम पूरा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अमीनो एसिड बन जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इन सब का आगे क्या होगा, केवल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम बेटा कहाँ होगा, ये इस पोर्शन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहां। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, राइट। तो फूड जो है एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड वेसल्स की मदद से कहां पहुंच जाएगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। वहां जाकर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि उन सिंपल चीजों से जैसे प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बना था, तो वहां सेल्स के अंदर जब अमीनो एसिड पहुंचेगा तो वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इसी तरह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचेंगे तो वो मिलके फैट बनाएंगे, सिंपल ग्लूकोज पहुंचेगा तो वो मिलके ग्लाइकोजन और बाकी चीजें बनाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो याद रखिए डाइजेशन कारण काम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है केवल वाटर और जितनी भी डाइजेस्टिव चीजें उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, राइट। और ब्लड से वो बॉडी के सभी सेल्स तक एब्जॉर्ब चीजें क्या होती है, पहुंच जाती है। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो कुछ समय के लिए टेम्पररली कहां इकट्ठा किया जाता है, रेक्टम में इकट्ठा किया जाता है। और जब भी शरीर में रेक्टम जो भरने लगता है तो फिर उसके बाद से इस एनस के थ्रू फीकल मैटर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा आई थिंक आप लोग को पूरा ये डाइजेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा, वीडियो को फिर एक बार थॉरली आप समझिएगा। इस डायग्राम को समझने के लिए आप एक बार और क्या कीजिएगा कि जो पिछला लेक्चर है उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच, आगे फिर वीडियो देखते रहिए।